गुरु गोविंद सिंह के चारों साहबजादों एवं माता गुर्जर कौर की शहीदी को समर्पित धर्मशाला स्थित जटाशंकर गुरुद्वारा में कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने बताया कि 21 दिसंबर से नमन यात्रा से प्रारंभ होकर प्रतिदिन उनकी स्मृति में पाठ कीर्तन एवं अरदास होते रहे हैं। सर्वप्रथम हजूरी रागी जत्था भाई मनप्रीत सिंह के जत्थे ने कीर्तन द्वारा संगत को निहाल किया। उसके बाद मगहर से पधारे भाई इंद्रजीत सिंह के रागी जत्थे द्वारा कीर्तन किया गया। तत्पश्चात सरदार तजेंद्र सिंह अमृतसरी एवं एक ओंकार सेवा समिति के सरदार तेजपाल सिंह ने साहबजादों एवं माता गुर्जर कौर की शहीदी का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने कहा कि चारों साहबजादों ने देश एवं धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। दो बड़े साहबजादे चमकौर की जंग में लड़ते हुए शहीद हुए। दो साहबजादे सरहिंद की दीवारों में जिंदा चुनवा दिए गए। वे अपने धर्म पर अडिग रहे, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। आज हमें भी उनसे शिक्षा लेने की जरूरत है। इस अवसर पर सरदार कुलदीप सिंह, अशोक मल्होत्रा, सरदार रविंद्र पाल सिंह, नितिन विग्रवानी, सरदार राजेंद्र सिंह, सरदार अमरजीत सिंह, सरदार मनजीत सिंह, केशव जी, नंदलाल जी, सरदार चरणप्रीत सिंह, गुरमीत कौर, देविंदर कौर, प्रीतम कौर, जसविंदर कौर, सीमा, दुर्गा, पार्वती देवी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, पैदा करते ना।
जसपाल सिंह अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर। आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर में चारों साहबजादों माता गुजर कौर जी का शहीदी सप्ताह मनाया जा रहा था, उसका समापन है। चारों साहबजादों की लासानी शहादत को हम भुला नहीं सकते हैं। उन्होंने देश कौम एवं धर्म की रक्षा के लिए बाल्य अवस्था में 7 साल 9 साल 14 साल 17 साल में अपने प्राण इस देश की धरती के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने न्यौछावर कर दिए थे। आज हम उनको नमन कर रहे हैं। यहाँ पर सुबह से कार्यक्रम चल रहे हैं, बाहर से रागी जत्थे आए हुए, कीर्तन चल रहा है। अभी अरदास हो के उपरांत गुरु का अटूट लंगर बरतेगा। यहाँ पर आज हम लोगों ने 21 तारीख को यहाँ पर नमन यात्रा भी निकाली थी, उसी शहादत को आज यहाँ पर हम लोग समापन कर रहे हैं। परसों 29 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व हम लोग मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में मनाएंगे। धन्यवाद।